कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है। परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन भी कर सकती है। सूर्यदेव आप? बड़ी बात। कल्याण हो पुत्र। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आपको इस समय मेरे समक्ष आना पड़ा? कुछ समय पश्चात मैं आपको अर्घ भेंट करने आने ही वाला था। आज मैं अर्घ लेने नहीं आया हूं पुत्र, मैं एक चेतावनी देने आया हूं। और वो ये, तुम कल प्रातःकाल मुझे अर्घ भेंट करने मत आना, और यदि तुम मुझे अर्घ भेंट करने आए तो तुम अपना सर्वस्व खो बैठोगे। हाँ पुत्र, मेरी विनती है तुमसे, कल प्रातःकाल तुम मुझे अर्घ देने मत आना। परंतु मैं तो आपको बचपन से अर्घ देते आया हूं, तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे अर्घ देने से रोक रहे हैं? तुम्हारा वचन पुत्र, तुमने प्रतिज्ञा ली है सूर्य को अर्घ देते समय यदि कोई भी तुमसे कुछ भी मांगेगा तो वो तुम उसे दान में दे दोगे। कल का अर्घ तुम्हें कुछ ऐसा दान देने पर विवश कर देगा जिससे तुम मेरा दिया हुआ आशीर्वाद सदैव के लिए खो बैठोगे। देवराज इंद्र ने तुम्हें परास्त करने के लिए षड्यंत्र रचा है। वो कल प्रातःकाल तुमसे दान मांगने आएंगे, और दान में वो तुमसे कवच और कुंडल मांगेंगे। तुम्हें ज्ञात है पुत्र? मुझे ज्ञात नहीं, परंतु आपको चिंतित देख के आभास हो गए, और यदि स्वयं मेरे पिताश्री मुझे चेतावनी देने आए हैं कि इंद्रदेव मुझसे दान मांगने आएंगे, तो इसका सीधा संबंध अर्जुन से होता है, इंद्रदेव का पुत्र अर्जुन। और उसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र की भलाई चाहता है। यदि इतना समझते हो तो यह भी समझ दो पुत्र कि यह पिता भी यही चाहता है कि उसके पुत्र के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई छल ना हो। मेरी विनती है तुमसे, कल प्रातःकाल मुझे अर्घ देने मत आना। पहले भी मैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय कर चुका हूं पुत्र, परंतु अब और अन्याय नहीं। कहो पुत्र, अपने पिता की बात मानोगे? कल प्रातःकाल अर्घ देने नहीं आओगे ना? मुझे उत्तर दो पुत्र, मुझे उत्तर दो। प्रश्न उत्तर का समय नहीं बचा है। मनुष्य का कर्म उसके हर प्रश्न और उत्तर से बड़ा होता है, और अब आपके कर्म का समय हो गया है।
अंधकार में डूबे समस्त संसार को आपको प्रकाश देना है। आप अपना कर्म और धर्म निभाइए और मैं अपना कर्म और धर्म निभाऊंगा। बस आपसे एक प्रार्थना है कि अब ये अन्याय मत होने दीजिएगा कि संसार कहे कि कर्ण ने अपने जन्मदाता को अपना धर्म करने से रोक दिया। प्रणिपात पिताश्री, मुझे आशा है पुत्र तुम मेरी विनती स्वीकार कर कल्याण हो तुम्हारा। यहां क्या कर रहे हो? मैंने सब सुन लिया। सूर्य नारायण, आप यहां? इस प्रकार यहां आने के लिए मैं आपसे एक क्षमा चाहता हूं, परंतु पुत्र कर्ण पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उसे सावधान करना होगा। आप सूर्य पुत्र हैं, परंतु यह कैसे संभव है? मेरे जन्म से पूर्व एक स्त्री को वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके कोई भी वरदान पा सकती थी। उस स्त्री को विश्वास नहीं हुआ और उसने इस वरदान को परखने का प्रयास किया। उसने सूर्यदेव का आवाहन किया और वरदान से पतित सूर्यदेव को उन्हें पुत्र देना पड़ा, परंतु वो अविवाहित कन्या समाज के भय से भयभीत हो गई और उसने उस बालक को गंगा में बहा दिया। वो बालक मैं था जिसे पिता अधिरथ ने पाला। सूर्यदेव के आशीर्वाद के रूप में मुझे कवच और कुंडल मिले। जो आप इंद्रदेव छीन लेना चाहते हैं अपने पुत्र अर्जुन के लिए, सूर्यदेव मुझे यही समझाने आए थे कि मैं इंद्रदेव को कल दान ना दूं। अर्थात आज आप अर्घ देने नहीं जा रहे? नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा। क्यों? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? एक दान के भय से अपना संकल्प तोड़ दो, अपना सम्मान खो दो? नहीं पुत्र, ये सूत पुत्र ऐसा कायर नहीं है। आप स्वयं के साथ ऐसा अन्याय कैसे होने दे सकते हैं पिताश्री? आप भली भांति जानते हैं आपके साथ छल होने जा रहा है, फिर भी वो सूर्यदेव जिन्होंने आपको अपना नाम कभी नहीं दिया, जिस पर आपका अधिकार था वो सम्मान कभी नहीं दिया, फिर भी आप उन सूर्यदेव के सम्मान के लिए इंद्रदेव के बिछाए जाल में फंसने जा रहे हैं। पिताश्री, ये
ये कवच आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है और आप इसे इंद्रदेव को दान में दे देंगे। क्यों? केवल सूर्य पुत्र होने के सम्मान के लिए? नहीं, एक सूत पुत्र होने के अभिमान के लिए। मैं आज भी एक सूत पुत्र हूं। एक सूत ने ही मुझे प्रेम दिया, सम्मान दिया, अधिकार दिया, आवश्यकता पड़ने पर धनुष दिया। जब मैंने उसे दूर जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझे वो भी दी। तुमने ठीक कहा पुत्र कि जिन सूर्य देव ने मुझे मेरा नाम, मेरा सम्मान नहीं दिया, मैं उनके एक उपहार के लिए ऋणी क्यों रहूं? पुत्र, तुमने पूर्णतः अपने पिता को नहीं पहचाना। मैं अपनी सुरक्षा के लिए कवच और कुंडल पर निर्भर नहीं। मेरी शक्ति मेरा वो साहस है जो मैंने अपनी मां राधा से पाया। मेरी शक्ति मेरा वो विश्वास है जो मैंने अपने पिता अधिरथ से पाया। मेरी शक्ति वो तिरस्कार है जो मैंने समाज से पाया। इस राधेकरण के कौशल और योग्यता को किसी कवच कुंडल की आवश्यकता नहीं है। परंतु पिताश्री, ये सब अन्याय है। जो भी आपके साथ हो रहा है, ये सब अन्याय है। कदाचित ये अन्याय है, परंतु कोई और अन्याय करे इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी न्याय का पथ छोड़ दें। मैं अपना मार्ग चुन चुका हूं। यदि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी स्थान है, एक पिता के रूप में या एक योद्धा के रूप में, तुम इस रहस्य को रहस्य ही रखोगे। तुम्हें मेरी सौगंध है, वचन दो मुझे। पिताश्री, वो वचन दो मुझे वृषसेन। सूर्य उदय का समय हो गया है और मेरे अर्घ देने का भी। अब तुम जा सकते हो। क्या हुआ माता? समय हो गया है परंतु अभी तक सूर्यदेव उदित नहीं हुए। क्योंकि कदाचित ये उदय होने का उचित समय नहीं है पार्थ। मैं समझा नहीं माता। सूर्यदेव का उदित होना अनिवार्य है, प्रकृति का नियम है। भला इसके विरुद्ध कौन जा सकता है? एक पिता अपनी संतान के लिए किसी के भी विरुद्ध जा सकता है पार्थ। रानी पाद वास्ते। रानी पाद, गांधीवधारी अर्जुन। रानी पाद,
परंतु मैंने आपको पहचाना नहीं ब्राह्मण देव। महान व्यक्ति के पास समय ही कहां होता है किसी और से परिचित होने के लिए, परंतु महान व्यक्ति से समस्त संसार परिचित रहता है। वासुदेव का पराक्रम और अर्जुन के शौर्य से ऐसा कौन है संसार में जो परिचित ना हो। धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद है अर्जुन, इस महाभारत के युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित। तुम अपने शौर्य से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करो। मैंने आपकी बात सुनी वासुदेव, और मैंने उसके मंतव्य को भी समझा, परंतु सूर्यदेव केवल एक पिता ही नहीं, वो इस समस्त संसार को ऊर्जा भी देते हैं। किसी भी स्थिति में उन्हें अपना कार्य पूर्ण करना ही होगा। सूर्य उदय होना अनिवार्य है, यह प्रकृति का नियम है। अवश्य, परंतु इन नियमों के बंधन में सभी आते हैं ब्राह्मण देव। सूर्य देव पर, मुझ पर भी, और आप भी। नियति चाहे प्रकृति की, चाहे देवताओं की, या फिर मनुष्य की, परंतु उसे समझ पाना बहुत कठिन कार्य है। आपको स्मरण करवा देता हूं ब्राह्मण देव, मनुष्य को दुर्बल समझना देवताओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसा कोई विघ्न नहीं जो एक दृढ़ निश्चयी मनुष्य का मार्ग रोक सके। यदि मनुष्य चाहे तो वो पर्वतों का स्थान भी बदल सकता है। मैं मनुष्य की नियति और निश्चय को कम नहीं आंक रहा वासुदेव, परंतु किसमें कितना बल है ये तो केवल परीक्षा से ही सिद्ध होगा। कभी कभी परीक्षा में परीक्षार्थी नहीं, परीक्षा लेने वाला भी असफल हो जाता है ब्राह्मण देव। फिर चाहे वो मनुष्य हो या देव। देवताओं का तो धर्म होता है ना वासुदेव, मनुष्य को सदैव नए नए अवसर देना। उचित कहा आपने ब्राह्मण देव, परंतु अवसर में यदि छल और भेदभाव आ जाए तो वो अवसर नहीं होता। कदाचित आपको स्मरण तो हो गए, यदि धर्म और कर्म में पक्षपात आ जाए तो धर्म धर्म नहीं होता और ना कर्म कर्म रहता है। एक पिता का धर्म होता है सदैव अपने पुत्र के हित में देख, और एक पिता के अंधे पुत्र प्रेम के कारण ही ये महाभारत हो रही है ब्राह्मण देव। मुझे पिता से कोई लेना देना नहीं, देखना यह है कि क्या एक पुत्र अपना धर्म निभा पाता है या नहीं। क्या एक पुत्र अपने पिता के सम्मान की रक्षा कर पाता है या नहीं। आज्ञा दे वासुदेव, मेरा प्रस्थान करने का समय हो चला है। प्राणीपाल विजयी भव वत्स, विजयी भव।
करेंगे पिताश्री। मत जाइए, अपने साथ ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। सूर्यदेव ने आपके साथ जो अन्याय किया उसके पश्चात आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा धर्म है, एक सूत का धर्म। हम सूत सदा देते आए हैं, युद्ध में सारथी बनकर सुरक्षा देते हैं, राज्य को समय पर कर देते हैं। आज एक सूर्य पुत्र के सम्मान का नहीं, एक सूत पुत्र के सम्मान का प्रश्न है। वो सूत पुत्र जिसने दान में मांगी हर वस्तु देने का वचन दिया है, आज मुझसे कोई मेरे कवच और कुंडल क्या प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा।